दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल आज भी ईडी के सामने पेश नहीं होंगे। ये पांचवी बार है जब केजरीवाल ने ईडी के समन की अनदेखी की है। आम आदमी पार्टी ने इस संबंध में एक बयान जारी करते हुए कहा कि ईडी का समन गैर कानूनी है और कानूनी रूप से सही समन की तामील करेंगे। आम आदमी पार्टी ने ईडी के समन को लेकर केंद्र सरकार पर हमला करते हुए कहा, मोदी जी का मकसद केजरीवाल को गिरफ्तार करना है और ऐसा करके वो दिल्ली की सरकार गिराना चाहते हैं। हम ये कतई नहीं होने देंगे। अरविंद केजरीवाल ने भी एक्स पर इस आरोप को दोहराते हुए कहा, पहले चंडीगढ़ मेयर चुनाव में वोट चोरी किए, अब इसके खिलाफ शांतिपूर्ण प्रदर्शन करने आ रही जनता को जगह जगह दिल्ली भर में रोका जा रहा है। इससे पहले ईडी ने 17 जनवरी 3 जनवरी 21 दिसंबर और 2 नवंबर को दिल्ली सीएम को समन भेजा था, लेकिन वो पेश नहीं हुए थे। ईडी के लगातार समन जारी करने के बाद आम आदमी पार्टी ने दावा किया था कि ये सारी प्रक्रिया अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार करने के लिए की जा रही है। ईडी उन्हें पूछताछ के बहाने बुलाकर गिरफ्तार करना चाहती है। एएपी का कहना है कि अगर ईडी का पूछताछ करनी है तो वह अपने सवाल लिखकर केजरीवाल को दे सकती है। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने सवाल खड़ा करते हुए कहा कि लोकसभा चुनाव के पहले उन्हें समन क्यों भेजा गया है। उन्होंने कहा, जांच को चलते हुए 2 साल हो गए तो फिर लोकसभा चुनाव के पहले ही क्यों बुला लिया जा रहा है। सीबीआई ने 8 महीने पहले बुलाया था, मैं गया भी था और जवाब भी दिए थे। अब लोकसभा चुनाव के पहले बुलाया जा रहा है तो उनका मकसद मुझसे पूछताछ करना नहीं है। वो लोग तो मुझे बुलाकर गिरफ्तार करना चाहते हैं ताकि मैं प्रचार ना कर सकूं। नेताओं को अपनी पार्टी में शामिल करने के लिए आज बीजेपी ईडी और सीबीआई का इस्तेमाल कर रही है। सीएम केजरीवाल के पेश ना होने पर अब ईडी के अधिकारी उनके आवास पर जाकर भी पूछताछ कर सकते हैं। ठोस सबूत होने पर या सवालों के संतोषजनक जवाब नहीं मिलने पर गिरफ्तारी भी हो सकती है।